बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी तो जैसे कि आपको पता है, बच्चों के पेपर हो रहे हैं और कुछ बच्चों के पेपरों की अभी डेट नहीं आई है, तो देखिए क्या होता है। क्योंकि बच्चों के सारे सब्जेक्ट के तो पेपर नहीं हो रहे, तो रजा के भी बस चार सब्जेक्ट के पेपर हो रहे हैं और मानी के भी बस चार ही सब्जेक्ट के पेपर होंगे। तो उनका एडमिट कार्ड तो आ गया है लेकिन अभी डेट नहीं आई, तो बच्चे तो काफ़ी बिजी हैं पढ़ाई में। तो उनके लिए आज एक स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी कि आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। तो आप आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। और साथ ही मैं अभी जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ साइमा सोसाइटी, वहाँ हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ हम उनसे कुछ मुलाकात करेंगे। काफ़ी दिन हो गए तो हम लोग गए नहीं थे, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला था तो हस्बैंड कहने लगे कि चले। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ थोड़ा सा साइमा सोसाइटी काफ़ी अच्छी बन गई है। तो पहले जब ये डेवलप हो रही थी तो इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन अब बहुत अच्छी बन गई है। तो वहाँ थोड़ा सा वहाँ का भी आपको विजिट करवाऊँगी, तो चलिए आप चलते हैं। जी तो यहाँ पर हम जा रहे थे साइमा सोसाइटी अपने रिलेटिव के घर। तो यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि गर्मी तो हो रही थी लेकिन ठंडी हवाएं इतनी चल रही थी कि गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो यहाँ हम पहुँच गए साइमा सोसाइटी। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा सोसाइटी में सिस्टम होता है कि आप बग़ैर इंट्रोड्यूस करवाए आप सोसाइटी में इंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड टोकन बनवा रहे थे कि हमें अंदर जाना है। तो यहाँ पर ये मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है सोसाइटी में, इस तरह सिक्योरिटी रहती है आपकी भी और पता चलता है कि कौन आया और कौन नहीं। तो यहाँ पर जनाब हम जा रहे थे अंदर, यहाँ हम इंटर हो गए थे साइमा में। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे घर बन गए थे और हम मिलके ये अपने हस्बैंड से मैंने कहा आप मुझे पूरा विज़िट करवाएं। अच्छा ये होता है कि जब हम किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो बस मिलने में हम लोग इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता कि मैं वीडियो शूट करूँ। तो यहाँ पर इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे ये हमारे रिलेटिव हैं। एक होता है इंसान के पास थोड़ा सा पैसा वगैरह आ जाता है तो थोड़ा उनमें चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अखलाक के भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से हमसे मिले ना। कि आप ऐसे लोगों से मिलके आपका क्या होता है कि दिल खुश हो जाता है। तो जनाब वहाँ से हम लोग निकले, मुझे बिल्कुल भी यकीन करें आप, मुझे ख़्याल नहीं रहा कि मैं वीडियो शूट कर लूँ। तो निकल के बस जा ही रहे थे तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें आज पूरी सोसाइटी का विज़िट करते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी पहले यहाँ पर आए थे जब ये इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बस मुझे ऐसी नॉर्मल से लग रहा था, मैं समझी शायद इस तरह नॉर्मल सी ही ये बस बने। लेकिन यहाँ आके यकीन करें बहुत सबसे बड़ी बात, इतना पुरसकून ये इलाका है कि मतलब आप आएंगे तो आपको एक कहते हैं ना ज़हनी तौर पे फ्रेश, आप एकदम माइंड आपका फ़्रेश हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुशादा ये इलाका है और इतना अच्छा मतलब फील हो रहा था। एक तो हर जगह सिक्योरिटी गार्ड, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, जिस तरह के हालात हमारे कराची में रहते हैं उससे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये कि सफाई सुथराई का यहाँ इतना ख्याल रखा जाता है कि पूरी सोसाइटी हर मतलब हर यहाँ का हर सेक्टर एकदम साफ़ सुथरा था। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ इतनी फ्रेश, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए बहुत अच्छे यहाँ पर घर बन गए हैं और माशाल्लाह बहुत तकरीबन ये सोसाइटी पूरी ही यहाँ पर आबाद हो गई है। पहले इतने लोग नहीं यहाँ पर शिफ्ट हुए थे लेकिन अब ज़्यादा लोग शिफ्ट हो गए, क्योंकि आपको पता है जब आसाइशें होती हैं और फिर सबसे बड़ी बात बुनियादी सहूलतें जिस घर में भी हों, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो फिर वहाँ इंसान बहुत ईज़िली रह लेता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड मुझे बहुत हंसा रहे थे, कहने लगे देखो आपका मोबाइल गिर जाएगा आप वीडियो शूट कर रही हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में ये मैंने वीडियो शूट करी थी, वरना इतनी ठंडी और इतनी ज़ोरदार यहाँ हवा चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जनाब यहाँ शाम का टाइम हो चुका था और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, धूप ज़रूर थी मगर इतनी शिद्दत से एहसास नहीं था गर्मी का, क्योंकि ठंडी हवाएं बहुत चल रही थी और काफ़ी मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो आप लोग भी अपने
हल्का दोस्त अहबाब का रखा करें, मिला जुला करें, इससे बहुत माइंड फ्रेश होता है। और सबसे बड़ी बात, आप कि जो छोटी मोटी टेंशन वगैरह होती हैं वो भी रिलीज़ हो जाती हैं। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया। तो यहाँ से हम वापसी आ रहे थे अपने घर की तरफ, क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो मुझे कुछ बनाना भी था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो बच्चे ज़्यादातर फोकस बच्चों का पढ़ाई पर है। तो देखिए यहाँ का मौसम बहुत हसीन हो रहा था, शायद आपको कैमरे में इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन बहुत इंजॉय किया। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्पेशल बच्चों के लिए चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़, जो बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया था जलेपीनियो, ले लिया था साथ ही ऑलिव ले लिए थे, और ये था ओरिगैनो, और साथ ही मैंने ये चेडर और मोज़रेला चीज़ ले ली थी, और चार मैंने आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के। तो इसके मैं फ्रेंच फ्राइज़ कट कर रही थी, क्योंकि आपको पता है ये हेल्दी भी बहुत होते हैं, और इस्पेशली जब चीज़ डल जाती है तो ये और मज़ीद इनके जायके के साथ हेल्दी भी और हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कट कर रही थी, तो रज़ा और मानी तो बहुत शौक से खाते हैं, ये बनकर ये बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे क्या बड़े भी शौक से ही खाते हैं। तो बस यहाँ आ गई थी मैं, और काफ़ी थकन भी हो गई थी, क्योंकि हम कहीं जाते कुछ करना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी थकन हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर ऑलरेडी खाना तो मैं बना कर ही गई थी, तो बस ये फ्रेंच फ्राइज रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्राइज सारे कट कर लिए हैं। अब इसके लिए मैं एक सॉस बना रही हूँ, ये बहुत मज़ेदार सा सॉस बनकर रेडी होता है, और ये इसका टेस्ट दोबाला कर देता है। तो यहाँ पर मैंने लिया था तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब चिली गार्लिक सॉस, और 4 टेबल स्पून के करीब लिया थी मैंने म्यूनिस, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून ले लिया था विनेगर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और इससे एक बहुत अच्छा सा सॉस बनकर रेडी हो जाएगा, जो हमारे फ्रेंच फ्राइज का मज़ा दोबाला कर देगा। तो ये सॉस आप भी ज़रूर बनाया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सॉस रेडी हो गया था, अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना था बस। तो यहाँ पर मिक्स हो गया था, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया था, और ये काफ़ी गर्म भी हो गया था, और जो मैंने फ्रेंच फ्राइज कट करके रखे थे मैं अब उन्हें फ्राई कर रही थी। अच्छा, आप चाहें तो इस पर कॉर्नफ्लोर लगा कर भी फ्राई कर सकती हैं, लेकिन मैं इसी तरह सादे ही इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे इस पर चीज़ भी डालनी है, तो मैं इतना मुझे क्रिस्पी नहीं चाहिए था, तो इसीलिए मैं इसे ऐसे ही बस फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है, यह आपकी अपनी पसंद है। अगर आपको ज़्यादा गोल्डन कलर पसंद है तो आप ज़्यादा गोल्डन कर लीजिएगा, वरना ये भी परफेक्ट कलर है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो गए थे, तो ये मैं निकाल रही थी, अच्छे से झाड़ कर निकाला करें, ताकि ऑयल कम से कम आए। तो इस तरह मैं निकाल लेती हूँ, और इससे ये होता है कि ऑयल कम से कम फिर निकलता है। तो साथ ही मैं जो दूसरा बैच था उसको भी मैंने फ्राई के लिए डाल दिए हैं। डाल के इस तरह आप 2-3 से 4 मिनट तक के छोड़ दिया करें, क्योंकि इस पे कलर आने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा बैच भी हमारा फ्राई होकर रेडी हो गया है, तो अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। तो ये है कि ये शाम के टाइम इस तरह के हल्के फुलके स्नैक्स बच्चों की हल्की फुल्की भूख भी मिटा देता है, और ये है कि हेल्दी भी रहते हैं। तो इसीलिए मैं घर पे कुछ ना कुछ इस तरह बना लेती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके रखे हैं, अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है फ्लेवर अच्छा होने के लिए। मैं साथ में इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया है चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने ऐड कर दिया है चाट मसाला। अब इसे अच्छे से टॉस कर लेंगे, ताकि सारे फ्रेंच फ्राइज में अच्छे से ये मसाला कोट हो जाए। फिर मैंने एक फ्राई पैन लिया, और अच्छे सारे फ्रेंच फ्राइज इसमें अच्छे से फैला दिए हैं, क्योंकि अब हमें स्टीम में इसे थोड़ा सा पकाना है। तो यहाँ पर देखिए सारे फ्रेंच फ्राइज मैंने पैन में डाल दिए हैं, और इसे अच्छे से फैला लिया है। अब जो हमने सॉस बनाकर रेडी करी थी ना, अब वो भी इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये सॉस आप वैसे भी बना के रखें, जब आप इसको सर्व करें, जब भी आप इसके साथ खाएं, इसके साथ सर्व कीजिए, जब भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करती हैं,
तो इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी मिला दें। साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो भी इसमें स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ ही जो मैंने कट कर और साथ ही मैंने ले ली थी यहाँ पर देखिए मोज़रेला और चेडर चीज़, दोनों मेरे पास हैं। तो मैं इसको ग्रेट करके नहीं डालूंगी बल्कि इस तरह स्लाइसेस कट करके डालूंगी, क्योंकि जब ये मेल्ट होती है ना तो बड़ी अच्छी सी ये लगती है, लुक वाइज भी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इस तरह स्लाइसेस कट करके फैला रही हूँ पूरे चिप्स पर, ताकि सब पर अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। और मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ का दोनों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए मैं इसमें दोनों ऐड कर रही हूँ। आपकी अपनी पसंद है, आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला भी ऐड कर सकती हैं या चाहें तो सिर्फ चेडर भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से चीज़ पूरे फ्रेंच फ्राइज पर फैला दी है। अब साथ ही मैंने जो कट करके रखे थे जलेपीनियो और ऑलिव, वो भी मैं थोड़े से इसके ऊपर फैला दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम इसको सर्व करते हैं, तो इसीलिए ये मैंने थोड़े थोड़े से ऐड कर देती हूँ। स्पेशली चीज़ के साथ तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो ऑलिव कट करके रखे थे, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बस मैं सिंपल सा क्या करूँगी, इसे कवर करूँगी और एकदम लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के पकाऊँगी। तो यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, क्योंकि फ्राइज़ तो हमारे ऑलरेडी कुक हुए हुए थे। तो यहाँ देखिए मज़ेदार से हमारे चीज़ फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। अब इसको ऊपर से हम थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे, ताकि ये देखने में भी अच्छे लगें और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा आए। तो जनाब यहाँ पर बनकर रेडी हो गए थे और रज़ा साहब इंतज़ार कर रहे थे कि कब मम्मा मुझे देंगी, क्योंकि उनका काफ़ी देर से दिल चाह रहा था। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को सर्व कर रही थी। तो आप भी ये शाम के टाइम पे बनाएं, अपने बच्चों को दीजिए। आजकल तो बच्चे तो देखिए चीज़ी फ्लेवर कितना अच्छा सा लग रहा है ना, यमी सा, ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। आजकल बच्चे वैसे भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनके पेपर्स हो रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, क्योंकि आज मैं बाहर गई थी, आपको पता है, आपको भी विजिट करवाया है साइमा का, तो आपको पता है जब बाहर से आओ तो थोड़ी सी थकन हो जाती है, तो मुझे तो काफ़ी थकन हो जाती है, तो मैं भी काफ़ी थक गई थी। और बच्चों के लिए रेसिपी भी बनानी थी, आप लोगों के लिए भी बनानी थी, क्योंकि मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज थोड़ी सी थकन हो गई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।